चोरी, तेरी तो रुको। तेरी वजह से यहाँ लोग आने से डरते हैं। मुझे काम वाली बाई नहीं मिलती और तू यहाँ बैठा दारू पीता है। नीचे उतर, नीचे उतर। तू नहीं उतरूंगा। आप मारोगी? हाँ मैं तेरे को मारूंगी। तो नहीं उतरूंगा। हाँ अच्छा ठीक है, चल नीचे उतर। मारूंगी तो नहीं? नहीं मारूंगी। तू नीचे तो आ। मैं पेप्सी लेने आया था तो मैंने चखना देखा। इतने दिनों से बगैर चखने के दारू पी रहा था। रोज ग्रोसरी जाके मेरे लिए चखना लेके आना। अच्छा रुक, थक गए। मेरी क्रॉकरी, वापस मत आना वरना। आजकल के लौंडे समझते क्या हो अपने आप को? जानते क्या हो संगीत के बारे में? न ताल का पता, न सरगम की खबर, न दिल का पता, न धड़कन की खबर। ढाकचिक ढाकचिक कमर मटका कर नाचते हो। लगता है मुर्गी का दौरा पड़ गया। अरे हाथ पैर में दम नहीं और हम किसी से कम नहीं। आज इस पौने छेरे तो अपनी पूछ मार दी ना। अरे ओ चिरकुट की औलाद, क्या बॉस बॉस कर रहा है? बोल अपने बॉस से, अगर बाप की औलाद है तो बजा कर दिखाए इसे। ओस, इज्जत का सवाल है, आ जाओ। हाय दैया, देखो तो सांस कैसे पकड़ा हुआ, जैसे किसी ने मरा हुआ सांप इसके हाथ में रख दिया हो। माँ का दूध पिया तो वही रहना। आ का दूध भी पिया है और भैंस का दूध भी पिया है। उन्हीं चारा अरे दूध का आई बनाता हूं अभी आता हूं। बाथरूम उधर है। आगतम। अबे ये क्या है? पहले 500 रुपए दक्षिणा दो फिर गृह प्रवेश करो। 500? अबे ये औरतों का काम है, लेकिन कोई बात नहीं, ये ले। हाँ, अब बोल। 500 रुपए के लिए मैं औरत क्या, कुछ भी करने को तैयार हूँ। अरे हाँ हाँ राजो, 500 रुपए दे रहा है। अरे 500 क्या मेरे यार, ये ले 1000 रुपए तुझ पे कुर्बान। हाय हाय, जोड़ी सलामत रहे, खुदा तुम्हारी लंबी करे उमर। ए कमला, ए बिमला। इंस्पेक्टर साहब, एक ही है, आपके घर के बाहर मेरी एंड रह गई है, ट्राई क्लीन करके इजवा देना। उंगी पहन के घूम रहा हूँ, अच्छा लगता है क्या? सर नहीं, सर सर नो, सर सर नो। मैंने कोई गलत बात की क्या? ओए ओए रॉकी, रॉकी क्या लाया? लाया लाया ठहर यार, मैं लाया तेरे फेवरेट बिस्किट लाया यार, ये ले खा। शाबाश शाबाश मेरे दोस्त। अच्छा ये बता, डैड का मूड कैसा है? अरे बता ना यार, कैसा है? अबे जा कहाँ रहा है, मेरी बात का जवाब तो दे। Thank you.
लाल झंडा मतलब डाडू गुस्से में मर गए। ओए अब घर के अंदर कैसे जाएंगे? ओए ओए कहाँ जा रहा है तू? क्या 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 खोद रहे? हाँ ओए रॉकी, ओए शाबाश मेरे यार शाबाश। डैड आप नहीं तेरा बाप। एक तो तू चोर, ऊपर से तेरा ये दोस्त घंटी चोर। तुझे एक और इसको दो पड़ेगी। एक दो चल। दिल तेरा दीवाना के शमी कपूर की तरह घर में छुप छुप कर घुस रहा था और समझ रहा था कि मुझे पता नहीं चलेगा। बहुत जोरों की भूख लगी है, चिकन मटन खिलाइए ना। चिकन मटन के बच्चे मैं तेरा कीमा बना दूंगा। लेकिन डैड शराब, पहले तो अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक सस्पेंडेड इंस्पेक्टर की बहन को किडनैप करता है, फिर उसके लवर के साथ उसकी शादी करवा देता है। अरे वकील मैं हूं या तुम? मुझसे कहा तो मैं कानून के दायरे में सब कुछ ठीक करा देता ना भाई। एक मिनट। क्या हुआ? कुछ भी कहो, जब आप सीरियस होते हो ना एकदम दिलीप कुमार लगते हो। लड़ गए हैं। करेक्ट। अरे मगर मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, आपके माथे पे दो बल क्या पड़े? एकदम राज कपूर। संगम वाला जी? नहीं जी, श्री 420 वाला। मेरा बेटा, कितनी बोतल बियर पी है तूने? एक डजन। पागल हो गया क्या? जना दो करा जा। सी कंपनी से पंगो, तेरी माँ का। कैसा रहा? क्या रैपचिक शॉट दिया डूड, है ना? एकदम रियल काका, एकदम रियल। सी कंपनी से पंगो, तेरी माँ का। हेलो, सी कंपनी से बोल रहा हूँ। कल तेरे एक फैमिली फ्रेंड का चौथा है। डीबीटी में जिसका गला काटा है वो गजलुर रहमान है। अगर 1 करोड़ नहीं दिए तो तेरा भी यही हाल। नहीं नहीं भाई, मैं देने के लिए तैयार हूँ ना, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। सुन, पैसा देने को तैयार है लेकिन समय मांग रहा है। अगले महीने की 30 तारीख से पहले पैसे किसी भी हालत में मिल जाने चाहिए। 30 तारीख से पहले? अगले महीने की 30 तारीख से पहले पैसे मिल जाने चाहिए, नहीं तो वहाँ महीना खत्म, यहाँ तू खत्म। किसका फोन था? सी कंपनी का। बाबा, सी कंपनी का फोन था। उन्होंने मेरे से 1 करोड़ रुपए मांगा है। उन्होंने आपके गजलुर रहमान को मार दिया। गजलू को मार दिया? हाँ। आपके पहचान का कोई और है क्या? इस मामले में तुमसे अच्छी सलाह और कौन दे सकता है, इसीलिए इसे यहां ले आया। देखो कितनी बेरहमी से मारा है। 1 करोड़ नहीं दिया तो इसका भी यही हाल करेंगे, ऐसी धमकी दी है। अरे ये सी कंपनी, इसका तो पहले कभी नाम भी नहीं सुना है। गजलुर रहमान का सुना था? नहीं। फिर देखो, मैं तो ये एडवाइस दूंगा कि इन लोगों की धमकी बिल्कुल लाइटली नहीं लेनी चाहिए। ये लोग बहुत खतरनाक हैं, दे मीन बिजनेस। 30 तारीख से जितना पहले हो सके पैसे दे देना और अपनी जान छुड़ा लेना बॉस। अक्की ठीक कह रहा है। देखो बेटा, सर सलामत तो पगड़ी 50। लगता है 1 करोड़ तो अभी देना ही पड़ेगा। दोस्तों आज का जाम खोखे के नाम। चीयर्स। अरे यार तू इस रिंगटोन को चेंज क्यों नहीं करता? ऐसा लगता है जैसे
बॉर्डर पर सो रहे हैं। यार ये फोन जेपी दत्ता से खरीदा था क्या? बॉस कहाँ है? हेलो हेलो अक्षय। यस सर। अपनी ब्रेकिंग न्यूज देखी क्या? नहीं सर। अरे जल्दी देखना, हंगामा हो गया, हंगामा, अपने टीआरपीज आसमान को छू रही है, वी आर रॉकिंग, जल्दी देख यार। कौन लोग हैं इस गैंग के पीछे जिसका नाम सी कंपनी बताया जा रहा है? डीवीडी में जिस शख्स का गला काट दिया गया है वो कौन है? बेरहमी से किए गए इस कत्ल का क्या मकसद हो सकता है? कहीं मुंबई शहर में अपनी दहशत फैलाने के इरादे से तो ये सी कंपनी नहीं आई? सवाल तो कई उठ रहे हैं, जवाब एक भी नहीं। इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर जो दृश्य देख रहे हैं वो इसी डीवीडी से लिया गया है। आई डोंट बिलीव दिस, ये तो बहुत लाउड सीन हो गया डूड। लेकिन ये डीवीडी इस तरह ऑफिस में क्यों छोड़ी? अरे पुरुषोत्तम पैसे देने को क्या तैयार हो गया? मैं वो डीवीडी उधर ही भूल गया। शिट 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 यार, बहुत बड़ा लोचा हो गया डूड। अरे एक्सटॉर्शन तो छोड़ो, अब तो मर्डर के लिए भी जेल में जमा हो सकते हैं। लगता है बाकी की जिंदगी भी सरकारी ख्याल रखेगी। काका ये मेलो ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है, ये सोचो हमारी कंपनी के करियर के लिए फ्री में पब्लिसिटी हो रही है। उधर लोग लाखों रुपए खर्चा करते हैं। अरे क्या लंबोदर तुम भी, घबराने की जरूरत नहीं है। सी कंपनी के पीछे कौन है हमें छोड़कर किसी को मालूम नहीं। और फिर मीडिया की तो आदत है, दो दिन बाद को उछालेगी उसके बाद भूल जाएगी, और वैसे भी 29 तारीख में अभी देर है। लेकिन पुलिस तो नहीं भूलेगी ना, उधर इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और हम तक। एक मिनट, मेरे को तो अभी से पुलिस का सायरन सुनाई दे रहा है। सायरन तो मुझे भी सुनाई दे रहा है। चावले साहब आप? बहुत बड़ा मैटर हो गया रे, बहुत बड़ा मैटर। तेरे से जरा पूछताछ करनी है सी कंपनी के बारे में। ये कौन है? वो मेरी बिल्डिंग में ही रहते हैं। लेकिन जावले साहब वो सुबह से 10 फोन आ चुके दत्तू भाई के, जल्दी पता लगाए सी कंपनी कौन है। टीवी पे न्यूज देखी ना? न्यूज देखी कि नहीं? हाँ, हाँ, हाँ। तुम्हारे चैनल ने ब्रेक की है स्टोरी, सुबह से इधर कमिश्नर साहब उधर दत्तू भाई दोनों जान खा रहे। चल चल, दत्तू भाई ने बुलाया, चल जल्दी।